बड़े लोगों के चालान काटे। राजधानी दिल्ली में कोरोना का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग अब धीरे धीरे कोरोना से बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि अब लोग बिना मास्क के ही नजर आ जाते हैं। लोगों के इसी बेखौफ अंदाज को देखते हुए अब प्रशासन भी सख्त रवैया अपना रहा है। खासतौर पर जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे उनको लेकर प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर रविवार को उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा दिल्ली के अवंतिका मार्केट में मास्क न पहनने वालों के चालान काटे गए। इस दौरान उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन से तहसीलदार कुसुम लता अपनी टीम के साथ नजर आई और उन दुकानदारों के चालान काटे जो अपनी दुकान पर बिना मास्क के बैठे थे। इस दौरान कई दुकानदार द्वारा तीखी बहस भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन के सख्त रवैये के सामने किसी की एक न चली। राजीव कुमार तिवारी, दिल्ली, समाचार 24। आप यहाँ चालान काट रहे हैं मास्क को लेकर के, क्या है और किस तरीके से आप जागरूक कर रहे हैं और चालान काट रहे हैं उसके बारे में बताएं। यहाँ मास्क लगाने की मास्क के लिए बोल दिया, मगर लोग मारने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, पैसे देने के लिए जा रही है, लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत बुरा हाल होता है। अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। मैम आपने चालान काटा तो मतलब पब्लिक का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? सहयोग नहीं है, जबरदस्ती जेल से पैसे निकलवा रहे हैं। अधिकतर पब्लिक का क्या कहना है? इनका पब्लिक को जागरूक करना है कि ये बीमारी है, इसके लिए आप सावधानी करते हैं, मगर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बीमारी से। नहीं मैम, जब आप चालान काटने जाते हैं पब्लिक को समझाते हैं तो अधिकतर पब्लिक क्या रिस्पॉन्स करती है? नहीं, हमने तो अभी लगा रखा था, हमने पानी पिया, हमने खाना खा रहे थे, हमने कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हमने मास्क नहीं लगाया। तो किस क्या लगता है मैम, क्या और जरूरी है कि लोग इस नियम को माने, क्या और कदम उठाने चाहिए? कुछ भी आएगा तभी मानेंगे, हमारे कहने से भी मानेंगे। सरकार तो इनके लिए बहुत कुछ कर रही है, लोगों को हमारी टीम बना रखी है, मेरे ड्राइवर को भी लगा रखा मेरे साथ, मेरे ये जो सिविल के हैं ये लोगों को लगा रखा, मेरे ये और है ये मेरे सहयोगी इनको भी लगा रखा, मगर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, कोई मतलब समझने के लिए तैयार नहीं है, ये बीमारी है, इससे मर जाएंगे, जो कुछ होगा या हमारे परिवार को जो पीछे से जो हमारा परिवार है वो मिल जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि मैम लोग कोरोना से अब बेखौफ हो रहे हैं और लोगों को कोई भी डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये ढोंग है और ये जो है ये धंधा बना रखा है इन लोगों ने।